एक्चुअली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो मैंडेट है वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना है. तो पेट्रोकेमिकल, जब मैंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ज्वाइन किया तो पेट्रोकेमिकल पे बात चल रही थी, इस पर डिफरेंट मीटिंग्स हुई. BoI इज ऑल्सो द पार्ट. इंडस्ट्री जो खुसरो बख्तियार हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, टैरिफ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है. तो मैं ये देख रहा था कि इसमें कोई अराउंड $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, और उसमें जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं पाँचों, उसमें लोटे है, तुफैल केमिकल है, गेट्रॉन है, ICI है, एंग्रो है, वो सारे प्लेयर्स को मैं पर्सनली भी जानता था. तो व्हाट आई डिड के मैंने इस पर अच्छी खासी प्रोपेगेंडा किया पॉजिटिव साइड पे, और मैंने इस पर प्राइम मिनिस्टर से 2-3 दफ़ा बात की, मीटिंग इस इशू को रेज़ किया, और प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी विलिंग के इस पॉलिसी को हम जल्द से जल्द लेकर आएँ. तो कमेटी अपना काम कर रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग के 1-2 महीने के अंदर ये पॉलिसी आ जानी चाहिए, और इस पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. तो हम डिफरेंट सेक्टर्स में स्पेसिफिक अगर काम करें BoI, बजाय इसके कि हम सिर्फ वेट करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ जो रेडी आपके एजेंडा आइटम्स हैं उस पर अगर हम फोकस करें, इंडस्ट्री को बिठाएं. फॉर एग्जांपल हम API पे काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स की, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी साइड पे हमने एक टेक्नोलॉजी राउंड टेबल किया, उसमें हम सबको बिठा रहे हैं उनके साथ मुसलसल. जब आप इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करते हैं ना, मेरा मानना है गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता होता, ये इंडस्ट्री होती है जो आपको लीड करती है, चाहे आपके पेन पॉइंट्स हैं, उसका क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लीड्स भी आप वहीं से जनरेट करते हैं. तो मैक्सिमम आउटरीच जब आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में करते हैं, खुद ब खुद बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेल्स का जो उसूल है वो यही है, और मैं उसी उसूल को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. तो हमने अभी सऊदी से बात की हुई है, सऊदीज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान फॉर पेट्रोकेमिकल, उसके अलावा रिफाइनरी और बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हैं. लेकिन ये वो एक ऐसा काम था जिसमें कि हमने इन सारे प्लेयर्स को इकट्ठा किया, एंड एक्चुअली वी प्रपोज कि आप ये करें, उसमें हमने BoI को शामिल किया, OICCI को शामिल किया, PBC को, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को शामिल किया, तो सारे राइट प्लेयर्स यहाँ पे थे, और फिर राइट जो मिनिस्टर्स थे वो भी इसमें आए, पार्टिसिपेट किया. तो ये वो डायलॉग था जो कोई वन टाइम अफेयर नहीं था, बट ये इस पूरी पॉलिसी फॉर्मेशन में इसका एक इम्पैक्ट होगा. इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगी, रेगुलेटरी हवाले से आपको मतलब देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है या इवन जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं, अगर पॉलिसी होती है ना किसी एक चीज़ की तो वो प्रोटेक्शन फील करते हैं, अगर पॉलिसी नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें एडहॉक पे चल रही होती है, तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पॉलिसी रिवर्ट हो जाती है, या कोई आपका एक स्पेशल कोई इंसेंटिव है तो वो रिवर्ट हो जाता है. तो पॉलिसी जिस जिस जगह बनी है उस सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हुआ है, और उस सेक्टर में ऐसे फर्टिलाइज़र था और बहुत सारी चीज़ें थी. अब API की पॉलिसी आई है तो हम काम कर रहे हैं चाइना से और बहुत सारी जगहों से कि रॉ मटेरियल जो है फार्मास्यूटिकल्स का वो हम यहाँ पे लेकर आएँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो. एक तो उस कंज्यूमर को फ़ायदा होगा कि उसकी प्राइस नीचे होगी, दूसरा ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, और हर लिहाज से उस इंडस्ट्री को फ़ायदा है. तो मेरा जो वो है कि BoI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल मैनर में बस कोई आ गया तो आपसे बात हो गई तो बिजनेस हो गया, ऐसे नहीं. आप हर हर इंडस्ट्री में जाएं, उस इंडस्ट्री के जो राइट प्लेयर्स उनको आप जमा करें, और आप क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, तो कुछ चीज़ें आज मटीरियलाइज होंगी, कुछ 6 महीने बाद होंगी, तो आप कई सेक्टर्स में, बहुत सारे महाज भी ना खोलें, कुछ सेक्टर्स में आप फोकस होकर काम करें. देखिए ये अब जैसे टैरिफ है तो वो टैरिफ की बात चल रही है, इंडस्ट्री का अपना एक मुतालबा है, उस पर टैरिफ कमीशन की रूबीना है, आज यहाँ पे सिंपोजियम पे भी थी, तो वो एक फार्मूला सेट हो जाता है. तो वो एक जो भी कंबाइन एक डिसीजन होता है वो दोनों की मुश्तरका रजामंदी से होगा, और उसको फिर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करते हैं, और खुद ब खुद जो है ना वो चीज़ें चलनी शुरू होती है. पॉलिसी किसी भी इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी है, अगर हमने उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करना है, अगर हमने उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है. तो ये वो एक एजेंडा था जिसपे मेरा मानना ये था कि जो पेट्रोकेमिकल है ख़ास तौर पे, ये चूंकि राइट प्लेयर्स हैं, मौजूद हैं, इनका पीछे एक्सपीरियंस है, काम ये कर रहे हैं, और बाहर से कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इस पर इंटरेस्टेड हैं, इवन मल्टीलेटरल्स इस पर इंटरेस्टेड हैं, तो इस पर हम क्विक फिक्स करें, काम करें, अगले साल 2 साल में आप इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, और फिर उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाती है. जैसा कि आपको OICCI के प्रेसिडेंट ने भी कल बताया कि हर साल $1 बिलियन की आपकी वो है. तो ये वो एजेंडा आइटम है जिसको हम प्रोपगेट कर रहे हैं, BoI इसको लीड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन आर साइलोज और हम बैठ के. तो ये एक एरिया, और इस तरह से मैंने आपको बताया बहुत सारे एरियाज पे हमने ये काम शुरू कर दिया.
In the near future, we are expecting $3 billion, around $3 billion, $3.2 billion next 1 or 2 years में, और उसके बाद फिर ये momentum बढ़ता है, क्योंकि China से बहुत interest है, Saudi से बहुत interest है, Qatar से बहुत interest है, तो बहुत सारे और भी players हैं, कुछ पाकिस्तानी और भी groups ने हमसे बात की है, जब वो हमने ये petrochemical को announce किया, तो they are interested, they will explore, और हमारा काम है उनको हम guide करें, उनको हम engage करें, तो आज 5 players हैं, कल 15 players होने चाहिए. तो इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, अगर हम वो यूटिलाइज कर लें, तो ये कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है. आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि ये महीने दो महीने में पॉलिसी आ जानी चाहिए थी. आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि मार्च में हो जाएगी, बट अगर मार्च नहीं तो अप्रैल मई में ये पॉलिसी आ जानी चाहिए. ये मैं इस पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज के लास्ट 2 meetings जब प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, तो उस पर इंडस्ट्रीज ने अपनी रिपोर्ट दी कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इस पर फास्ट पेस कर रहे हैं, और मेरा वहाँ पर यही पॉइंट था कि चूंकि हमें इस पर 3 billion के अराज जो है वो एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसको फास्ट पेस करें. प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस एक्चुअली इन 2 meetings के इसको फास्ट पेस करें. जब प्राइम मिनिस्टर लेवल से चीज़ होती है, तो मैंने देखा चीज़ें हो जाती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि महीना दो महीने में ये पॉलिसी आ जानी चाहिए.